नीम करौली महाराज की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करती हूँ एक छोटे से व्लॉग की शुरुआत बाबा नीम करौली महाराज के आशीर्वाद के साथ। आज 15 जून के दिन उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में, नैनीताल से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवाली में कैची धाम पर आज भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो आज महाराज जी की स्मृति में एक मेरे भैया ने भी छोटा सा भंडारे का आयोजन किया है। जय बाबा नीम करौली की जय। जय बाबा नीम करौली महाराज। तो आज के दिन कैची धाम पर देश विदेश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी महाराज जी के भक्त हैं। तो महाराज जी की स्मृति में आज भैया ने भी भंडारे का आयोजन किया हुआ था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग भी। बहुत अच्छा लग रहा था और मैं यहाँ पर वीडियो बनाते हुए आई तो यहाँ पर भैया बोल रहे थे कि हम तीनों की यहाँ पर फ़ोटो आनी चाहिए। तो मैंने सभी को अपने कैमरे में लेने की कोशिश करी, यादें बनी रहती हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी भंडारे में शामिल होने में। और यहाँ पर जितने भी यात्रीगण आ रहे थे तो सभी सेवा करना चाह रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी बने हुए थे। और यहाँ पर भाभी ने दीप प्रज्वलित किया और साथ में भैया भी यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे थे और साथ में काफ़ी लोग जुड़ चुके थे सेवा करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। भंडारे की शुरुआत मीठे से की गई और यहाँ पर पहले सूजी का वितरण किया गया, साथ में यहाँ पर शरबत बनी हुई थी। और गर्मियों का टाइम है तो शरबत तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर इस्तेमाल हुई। कैची
हमेशा बनी रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भैया का एक्सीडेंट हुआ था और महाराज जी की कृपा से ही भैया हमें वापस मिल गए और उनका ही आशीर्वाद रहा जो भैया बच के वापस आए। तो हम लोगों का विचार बना कि जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं पर जाकर ही भव्य मतलब भंडारे का आयोजन किया जाए। तो यहीं पर हम लोगों ने फिर भंडारे का आयोजन रखा और जितना भी ट्रैफिक यहाँ पर से निकल रहा था तो सभी पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सेवा का एक छोटा सा अवसर हम लोगों को भी मिला आज के दिन। और महाराज जी हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। कैंची धाम में मेन प्रसाद मालपुए का बनता है, तो सबसे सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए ये रही कि महाराज जी ने वहाँ से मालपुए का प्रसाद हम लोगों के लिए भिजवा दिया था, आयोजन किया हुआ था, तो वहीं पे हमें मालपुए का प्रसाद मिला। आर्मी के वाहन भी निकल रहे थे, तो जय हिंद जय भारत, बहुत ही अविस्मरणीय पल थे मेरे लिए। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा प्रयास बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।